बाद पुलिस ने अवैध असला फैक्ट्री पकड़ी है, एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिरोजाबाद के टूडला पुलिस द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से चल रही अवैध शख्स फैक्ट्री का पर्दाफाश करते हुए एक अभियुक्त रवि को साथ बने अदबने तमंचा पोनिया में जिंदा कारतूस और भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरणों सहित गिरफ्तार किया है। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में अवैध असलाहों को खपाने की थी योजना। सात्र अभियुक्त पूर्व में भी जा चुका है जेल। पूछताछ के द्वारा अभियुक्त ने बताया कि तमंचे को 4 से 5 हज़ार रुपये में बिक्री करते थे। इन सभी को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। अरविंद कुमार, फिरोजाबाद, समाचार 24। देखिए, लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को दृष्टिगत रखते हुए जनपद फिरोजाबाद में अवैध शस्त्र रखने वाले, अवैध शस्त्र बनाने वालों के विरुद्ध अभियान चलाया गया है। उसी क्रम में थाना टुंडला SHO एवं उनकी टीम द्वारा एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा किया गया है तथा एक अभियुक्त रवि पुत्र अशोक ग्राम छिकाऊ पचोखरा को गिरफ्तार किया गया है। यूं उसके पोजीशन से 7 बने हुए तमंचे तथा 2 अधबने तमंचे एवं भारी मात्रा में शस्त्र बनाने के उपकरण की बरामदगी की गई है। पूछताछ पर उसने बताया कि लोकसभा चुनाव को दृष्टि रखते हुए उसने एक बनाने का काम शुरू किया था तथा इसे 4 से 5 हज़ार रुपये में बेचता था। थाना टुंडला पुलिस का ये बहुत ही अच्छा कार्य है, जिसके लिए उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। बाद में ठाकुर